अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम अपोजिंग रिएक्शन का नेक्स्ट केस देख रहे हैं जो कि हमारे पास क्या है, सेकंड ऑर्डर अपोज बाय फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। के हमारे पास जो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है वो जो है वो फॉरवर्ड रिएक्शन है, और जो बैकवर्ड रिएक्शन है वो हमारे पास क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है, हम अपोजिंग रिएक्शन देख रहे थे उसका ये, इससे पहले हमने कौन कौन से केस देखे थे अगर आप रिवाइज कर लें कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है जो कि फॉरवर्ड रिएक्शन भी फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड रिएक्शन भी फर्स्ट ऑर्डर है, उसमें दो केस थे, उसमें दो केस थे हमारे पास। कौन कौन से केस थे कि जब इनिशियल कंसल्टेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या थी, जीरो थी, या फिर इनिशियल कंसल्टेशन ऑफ प्रोडक्ट जो है उसकी कोई ना कोई वैल्यू है। ठीक है, इसी तरह हमारे पास क्या था, फर्स्ट ऑर्डर एक्शन जो है वो अपोज बाय सेकेंड ऑर्डर एक्शन भी था। अब हम ये देखें कि सेकेंड ऑर्डर एक्शन जो है, सेकेंड ऑर्डर एक्शन जो है वो अपोज बाय जो है फर्स्ट ऑर्डर एक्शन है। ठीक, तो अब हम इसके बारे में स्टडी करेंगे। हमारे पास क्या है, इन सच टाइप ऑफ रिएक्शन द फॉरवर्ड रिएक्शन इज अ सेकंड ऑर्डर वेयर एज द बैकवर्ड रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर। कंसीडर सच रिएक्शन इन विच द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ टू रिएक्टेंट आर सेम। अब हम क्या कर रहे हैं कि जो सिंपलेस्ट फॉर्म है कि इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ टू रिएक्टेंट जो है वो सेम है, हम डिफरेंट कंसंट्रेशन वाला केस यहाँ पे नहीं ले रहे। ठीक है, वो आपको पता है कि वो थोड़ा टफ हो जाता है। एंड द प्रोडक्ट हमारे पास क्या है, उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन जो है वो जीरो है। तो हमारे पास क्या है, टाइम क्या है, जब टाइम जीरो है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए इज ए मोल पर डी एम क्यूब, और बी की कंसंट्रेशन हमारे पास क्या है, बी मोल ए मोल पर डी एम क्यूब, और सी की कंसंट्रेशन जो है हमारे पास वो जीरो है। जब कुछ टाइम गुजर जाता है तो आपको पता है हमारे पास प्रोडक्ट बन जाती है, प्रोडक्ट बनती है तो फिर हमारे पास क्या है कि टाइम यहाँ पे इनिशियल कंसंट्रेशन में से कुछ ना कुछ अमाउंट तो अवेलेबल जो होगी वो कम हो जाएगी। तो हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल कंसंट्रेशन क्या रह जाती है, ए माइनस एक्स, और यहाँ बी की कंसंट्रेशन क्या आ गई, ए माइनस एक्स, और सी की कंसंट्रेशन हमारे पास एक्स आ जाती है। सेम स्टेप आपने करना है कि पहले आपने रेट इक्वेशन लिखनी होती है, रेट इक्वेशन के बाद आपने सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स करनी है, सी की वैल्यू निकालनी है, सी की वैल्यू को पुट करना है, और फाइनल इक्वेशन निकालनी होती है। आई मीन ये स्टेप जो आप लोगों को पहले से पता है हमने करना वो ये है, जस्ट इसकी रीअरेंजमेंट करनी होती है। ठीक है, व्हेन हमारे पास, अब हमारे पास क्या है, इन द अबव रिएक्शन द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ टू रिएक्टेंट। ठीक है, फॉरवर्ड रिएक्शन हमें पता है इन दोनों की रिएक्शन की कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है, ए और बी के ऊपर, एंड द वेयर एज द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ वन रिएक्टेंट ओनली। ठीक है, जो सी पे डिपेंड कर रहा है। तो हमारे पास क्या है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन निकालेंगे हम, कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को ख़त्म करके हमारे पास क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट आ जाएगी। तो हमारे पास क्या है, रेट कॉन्स्टेंट क्या बन गया, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू के एफ इंटू ए माइनस एक्स स्क्वायर। इक्वेशन, ये जो अबव इक्वेशन है हमारे पास 5.71, वो मैं क्या बता रही है, रिप्रेजेंट द रेट एक्सप्रेशन फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन इन विच द के एफ इज द सेकेंड ऑर्डर रेट कॉन्स्टेंट। अब हमें पता है ये दो कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा था, रेट लॉ के लिहाज से ये सेकेंड ऑर्डर है, तो इसका हम जो रेट कॉन्स्टेंट कह रहे हैं ये भी हमारे पास क्या है, सेकेंड ऑर्डर रेट कॉन्स्टेंट है फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। और ए माइनस एक्स हमें पता है कंसंट्रेशन ऑफ ए है और बी की। ठीक है, इसलिए इसको हमने स्केयर में लिखा है, एट एनी टाइम टी। इसी तरह हम क्या कर सकते हैं, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन निकाल सकते हैं, कि रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ सी, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर आई है हमारे पास। तो इसका रेट जो क्या बन जाएगा, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू के बी इंटू एक्स। इक्वेशन 5.72 रिप्रेजेंट द रेट एक्सप्रेशन फॉर द बैकवर्ड रिएक्शन इन विच द के बी इज द फर्स्ट ऑर्डर रेट कॉन्स्टेंट एंड के एक्स इज द कंसंट्रेशन ऑफ सी एट एनी टाइम टी। ठीक है, तो हमारे पास नेट रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालते हैं, जैसे आप लोगों को पीछे पता है कि अपोजिंग रिएक्शन में हमने क्या किया था, कि नेट रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए हमारे पास क्या है, आर एफ माइनस आर बी करते होते हैं, कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन माइनस रेट ऑफ इनवर्स रिएक्शन निकालने, तो हमारे पास नेट रेट ऑफ रिएक्शन आ जाता है। तो हम यही करेंगे कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन की वैल्यू पुट करेंगे और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन की वैल्यू पुट करेंगे यूजिंग इक्वेशन। हमारे पास कौन कौन सी इक्वेशन है, 5.71 एंड 5.72। हम यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देंगे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन की और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन की।
तो ये क्या बन जाएगा, डी एक्स ओवर डी टी इज इक्वल टू के एफ इंटू ए माइनस एक्स स्क्वायर माइनस के बी एक्स। एट द स्टेज ऑफ इक्विलिब्रियम हमें पता है कि अपोजिंग डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम को हम स्टडी कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे क्या है, इक्विलिब्रियम पोजीशन के ऊपर हमारे पास रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन जब इक्वल हो जाता है और कंसंट्रेशन जो है प्रोडक्ट की एक्स की बजाय हम कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम ले रहे होते हैं, जिसको एक्स ई इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू एक्स ई। तो हमारे पास क्या बन जाएगा कि रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन। तो हम ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वैल्यूज पुट कर रहे हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन की और बैकवर्ड डायरेक्शन की। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, के बी की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे तो के बी की वैल्यू निकल आ जाएगी, के बी इज इक्वल टू के ऑफ के एफ इंटू ए माइनस एक्स ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स ई, ठीक। ये वैल्यू आ गई, हमने अब क्या करना है, जब हमने के बी की वैल्यू निकाल ली है तो जब के बी की वैल्यू निकाल लें तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे के बी की वैल्यू को जो अबव इक्वेशन आ रही है हमारे पास 5.73, इसमें यहाँ पे के बी की वैल्यू में पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो रेट नेट रेट ऑफ रिएक्शन क्या बन जाएगा, डी एक्स ओवर डी टी, ये वाली टर्म हमारे पास ऐसी रह जाएगी, के एफ ए माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस के बी के साथ x है तो वो x आ जाएगा और साथ साथ के बी की टर्म आ जाएगी। के बी की वैल्यू क्या थी, के एफ इंटू ए माइनस एक्स सी ओवर एक्स ई, ठीक। अब यहाँ पे के एफ कॉमन है, हमने के एफ को कॉमन निकाल लिया, रिमेनिंग टर्म हमारे पास क्या रहेगी, ए माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस ए माइनस एक्स ई स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाई एक्स एंड डिवाइडेड बाई एक्स ई। नेक्स्ट स्टेप पे हम क्या कर रहे हैं कि हम यहाँ पे एलसीएम ले रहे हैं, एक्स ई जो है वो एलसीएम के लिए डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में वन है तो ये टर्म जो है इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये क्या बन गया, एक्स ई इंटू ए माइनस एक्स स्क्वेयर, यहाँ पे माइनस है, ठीक है, यहाँ पे मिसिंग है माइनस यहाँ पे, और दूसरी वाली टर्म हमारे पास जो है वो इसी तरह आ जाएगी। इससे नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, इन टर्म को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले हमने तो ये स्केयर ओपन किया, तो जब ये स्केयर ओपन करेंगे तो इसकी क्या वैल्यू आ जाएगी, ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर माइनस टू ए एक्स। इसी तरह यहाँ पे स्केयर ओपन होगा तो ये क्या बन जाएगा, ए स्केयर प्लस एक्स ई स्केयर माइनस टू ए एक्स, ठीक है। ये हमने जस्ट यहाँ पे पहले स्केयर ओपन किए उसके बाद इनको मल्टीप्लाई करें, हम इसको एक्स ई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इसको एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब ये मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आंसर क्या आएगा, एक्स ई ए स्केयर प्लस एक्स ई एक्स स्केयर माइनस टू ए एक्स एक्स ई माइनस, अब ये वाली टर्म आ गई, ए स्केयर एक्स, अब ये माइनस के साथ ये ओपन होगा तो ये माइनस में आ जाएगा, ठीक है, एक्स स्केयर एक्स ई स्केयर एक्स और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ बन जाएगा टू ए एक्स एक्स ई। तो अब हम देखेंगे कि इनमें से कौन सी टर्म जो है वो आपस में कैंसिल आउट हो रही है, तो हमने इनको कैंसिल आउट करना है, तो ये जो है माइनस टू ए एक्स ई एक्स और साइड पे प्लस टू ए एक्स एक्स ई जो है कैंसिल आउट हो जाएंगे और रिमेनिंग टर्म हमारे पास जो है हम उनको दिख लेंगे, ठीक है। फिर हम यहाँ पे क्या करें कि ए स्केयर वाली टर्म जो है वो आपस में एक दूसरे के साथ जो है कंबाइन कर लेंगे और दूसरी एक्स ई और एक्स वाली टर्म जो है एक साइड पे कंबाइन कर लेंगे, हमारे पास क्या बन जाएगा, फाइनल इक्वेशन यहाँ पे आ जाएगी, डी एक्स ओवर डी टी इज इक्वल टू के एफ और ये डिनोमिनेटर में एक्स ई था वो इस साइड पे चला गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, कॉमन क्या है, ए स्केयर कॉमन है तो हम ए स्केयर को कॉमन निकाल लेंगे और रिमेनिंग टर्म क्या रहेगी, एक्स ई और इस साइड पे हमारे पास माइनस एक्स और दूसरी साइड पे हमारे पास क्या है, एक्स ई और एक्स वाली टर्म को हमने कॉमन करना है, तो ये माइनस के साथ हम इसको कॉमन निकालें तो ये एक साइड पे हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स ई एक्स को कॉमन निकालेंगे तो एक्स ई पहली वाली टर्म के अंदर से जो माइनस वाली है उसके साइड से बाहर निकल आ जाएगा और ये हमारे पास क्या रह जाएगा, एक्स और ये माइनस में एक्स रह जाएगा और ये हमारे पास क्या है, एक साइड पे प्लस के साथ जो है वो एक्स ही रह जाएगा, जस्ट उन्होंने रीअरेंज कर दिया तो वो, लेकिन माइनस के साथ किया तो साइन जो है हमारे पास इन्वर्ट हो जाएंगे। अब हमारे पास क्या है, एक्स ई माइनस एक्स जो है दोनों टर्म के अंदर से कॉमन है तो हम इसको कॉमन निकालेंगे, एक्स ई माइनस एक्स कॉमन निकाल लिया और ये यहाँ पे रिमेनिंग हमारे पास क्या रहेगा, ए स्केयर माइनस एक्स ई एक्स, ठीक है।
और ये बाकी टर्म के एफ ओवर एक्स सी हमारे पास इसी तरह रह जाएगा. दिस इज द डिफरेंशियल रेट इक्वेशन फॉर अपोजिंग रिएक्शन ऑफ दिस ऑफ द टाइप सेकंड ऑर्डर अपोज बाय फर्स्ट ऑर्डर इन विच द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ टू रिएक्टेंट इज सेम. हमारे पास क्या है एंड द प्रोडक्ट इज जीरो, कि हमने जो कंडीशन लगाई है वो उसको देख लेंगे कि ये हमारे पास रेट इक्वेशन है, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन है. सेकंड ऑर्डर अपोज बाय फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इन विच हमारे पास जो इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ टू रिएक्टेंट थी हमने सेम ली थी, हमने डिफरेंट कंसंट्रेशन नहीं ली. ठीक है, इसी तरह दैट ऑफ प्रोडक्ट इज, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन हमने जीरो ली है, लेकिन आपको पता है हम जीरो के अलावा किसी भी वैल्यू से भी स्टार्ट करते हैं. तो हम यहाँ पे कंडीशन लगा दी, ये आ गई हमारे पास. अब नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना है, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स, सेपरेटिंग द वेरिएबल इन अबव इक्वेशन एंड इंटीग्रेटिंग. हम क्या करेंगे यहाँ पे वेरिएबल्स को सेपरेट आउट करेंगे. तो वेरिएबल्स हमारे पास ये दो टर्म है, इस साइड पे आ जाएगी ए स्क्वायर माइनस एक्स एक्स ई मल्टीप्लाई बाई एक्स ई माइनस एक्स आ जाएगा. और यहाँ पे हमारे पास क्या है के एफ ओवर एक्स ई कॉन्स्टेंट है, तो वो इंटीग्रेशन से बाहर आ गया और साथ में हमारे पास डी टी आ गया. इस टर्म का आपको पता है कि के एफ ओवर एक्स ई मल्टीप्लाई बाई टी प्लस सी आ जाएगा, इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट. अब यहाँ पे क्या है, डिनोमिनेटर में दो वैल्यूज हैं और दोनों वैल्यू डिफरेंट हैं और आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो हम इसको क्या करते हैं पार्शियल फ्रैक्शन मेथड के थ्रू सॉल्व कर लेते हैं. जितनी वैल्यूज होती हैं उसके लिहाज से उतने कॉन्स्टेंट आ जाते हैं हमारे पास. तो हम 5.75 के अंदर क्या कर रहे हैं कि दो कॉन्स्टेंट इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, पहली टर्म के लिए ए कॉन्स्टेंट और सेकेंड टर्म के लिए बी कॉन्स्टेंट आ जाएगा. तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बन जाएगी, ए ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स ई एक्स प्लस बी ओवर एक्स ई माइनस एक्स. अब यहाँ पे फर्स्ट वाली टर्म को हमने कैंसिल आउट करना है, तो इस टर्म से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे फुल इक्वेशन को. ठीक है, मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स ई एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स ई माइनस एक्स. ठीक है, इस साइड पे हम जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो एक साइड पे हमारे पास क्या होगी, लेफ्ट हैंड साइड जो है वो वन की इक्वल आ गई और यहाँ पे जो टर्म ए के साथ ये डिनोमिनेटर में कैंसिल आउट हो जाएगी वो कैंसिल आउट होगी और रिमेनिंग टर्म जो है हमारे साथ हमारे पास बी ए और बी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी. अब हमने ए और बी कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू निकालनी है, तो जैसे हम पहले निकालते हैं हम क्या करते हैं एक्स ई माइनस एक्स को पहले क्या कर लेंगे इक्वल टू जीरो, और फिर जो है यहाँ से हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे कि एक्स इज इक्वल टू एक्स ई. तो यहाँ जहाँ जहाँ x की वैल्यू है 5.76 के अंदर वहाँ पे हम क्या पुट करेंगे एक्स ई. तो जब ये एक्स ई माइनस एक्स ई आएगा तो ये टर्म तो हो जाएगी जीरो, यानी हम यहाँ पे b की वैल्यू निकालेंगे. तो b की वैल्यू की यहाँ पे क्या आ जाएगा, x की जगह पे क्या आ गया एक्स ई मल्टीप्लाई बाई एक्स ई मीन एक्स ई स्केयर आ गया, ए स्केयर माइनस एक्स ई स्केयर आ गया. तो यहाँ पे b की वैल्यू हमारे पास क्या बन गई, b इज इक्वल टू वन ओवर ए स्केयर माइनस एक्स ई स्केयर. इसी तरह हम ए की वैल्यू निकालेंगे, ए की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ए की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या कर रहे हैं कि जो दूसरी टर्म थी हमारे पास ये वाली ए स्क्वायर माइनस एक्स सी एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो हमने यहाँ पे एक्स सी की वैल्यू निकालनी है. तो ये टर्म दूसरी साइड पे जाएगी, क्या हो जाती है प्लस हो जाती है, और एक्स सी को क्या हो जाएगा इसे डिनोमिनेटर में चला जाएगा, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी साइड पे डिनोमिनेटर में चला जाएगा. तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी ए स्क्वायर के ए स्क्वायर ओवर एक्स सी. तो जहाँ जहाँ इस इक्वेशन में हमारे पास 5.76 के अंदर जहाँ जहाँ एक्स है हम वहाँ पे उसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं. तो हम यहाँ देखें एक्स ई माइनस ये यहाँ पे क्या बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स ई. ठीक है, और दूसरी साइड पे हमारे पास क्या है प्लस बी ए स्क्वायर माइनस एक्स सी मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर ओवर एक्स सी. तो जब डिनोमिनेटर में एक्स सी है और ऊपर भी एक्स सी है तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा. ठीक है, रिमेनिंग हमारे पास क्या रह जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. तो ये बी की वैल्यू यहाँ पे खत्म हो जाएगी इस इक्वेशन में. तो ए क्या रह गया एक्स ई माइनस ए स्केयर ओवर एक्स सी. तो यहाँ पे हम पहले इसका एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा एक्स ई स्केयर माइनस ए स्केयर. ठीक है, और ए की वैल्यू निकालेंगे हम, तो ये क्या बन गया एक्स ई ओवर एक्स ई स्केयर माइनस ए स्केयर. तो हम इसको माइनस कर देंगे क्योंकि हमारे पास बी की टर्म कैसे है ए माइनस एक्स सी है. ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको माइनस करेंगे ताकि ये टर्म भी उसी साइड पे आ जाए माइनस के साथ, जस्ट माइनस वन से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम टर्म आ जाएगी क्योंकि हमने इसको आगे क्या करना है कॉमन निकालना है.
ठीक है, तो इसको माइनस वन से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 5.78 जो इक्वेशन आ रही है वो क्या बन गई है, ए इज इक्वल टू माइनस एक्स ई ओवर ए स्केयर माइनस एक्स ई। अब हम ए और बी की वैल्यू जो कि हमारे पास कहाँ कहाँ से आई है, ए की वैल्यू आ रही है 5.78 मेरे अंदर और बी की वैल्यू आ रही है 5.77 के, ठीक है, और इसको हम पुट कर देंगे 5.75। ये जो इक्वेशन है हमारे पास जहाँ पे हमने फर्स्ट टाइम कांस्टेंट यूज़ किए थे वहाँ पे इन दोनों कांस्टेंट की वैल्यू पुट कर देंगे, ए की और बी की वैल्यू पुट करेंगे। तो जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो ये इक्वेशन आ गई हमारे पास, और हमने देखना है कि इनमें से जो कॉमन है दोनों टर्म हम उन दोनों कॉमन टर्म को जो है ना इक्वेशन से बाहर निकाल लेंगे। तो यहाँ पे कॉमन टर्म हमारे पास क्या है, वन ओवर एक्स ए स्केयर माइनस एक्स ई स्केयर जो है वो कॉमन है, रिमेनिंग टर्म क्या रहेगी, माइनस एक्स ई डिवाइडेड बाई ए स्केयर माइनस एक्स ई एक्स प्लस वन ओवर एक्स ई माइनस एक्स आ गया। अब हम क्या है, यहाँ पे हमने इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लिया, सिंप्लीफाई करने के बाद हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि हम यहाँ पे अब इसकी इंटीग्रेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो अब आपको पता है कि फर्स्ट ऑर्डर के लिए अब वन ओवर ए माइनस एक्स था तो यहाँ पे जस्ट ए स्क्वायर माइनस एक्स ही एक्स टर्म आ गया, एक टर्म चेंज हो गया, लेकिन आंसर क्या आना चाहिए, माइनस लॉग नेचुरल ए स्क्वायर माइनस एक्स ही एक्स आना चाहिए, लेकिन वो माइनस और ये माइनस जो है इक्वेशन में जो आ रहा है वो प्लस हो जाएगा। लेकिन दूसरी साइड पे हमारे पास क्या है, इधर प्लस है तो इसका आंसर किस में आएगा, इसका आंसर माइनस में आएगा, तो ये माइनस में हमारे पास माइनस लॉग नेचुरल एक्स ही माइनस एक्स आ गया, ठीक है। दूसरी साइड पे ये टर्म हमारे पास पीछे से आ रही है ये जब हमने इंटीग्रेशन करनी थी, ठीक है। तो हमारे पास ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, और ये जो है एक्स ही आपको पता है कि अगर ऊपर न्यूमिरेटर में हो टर्म जो कांस्टेंट टर्म है तो ये कांस्टेंट टर्म की या तो इंटीग्रेशन नहीं होती या फिर ये कैंसिल आउट हो जाती है यहाँ पे, तो ये टर्म हमारे पास नहीं आएगी, जब इंटीग्रेशन होगी तो ये फिनिश हो जाती है ये टर्म। तो हमारे पास जो है लॉग नेचर में जो प्लस वाली टर्म होती है वो ऊपर आ जाती है और जो माइनस वाली टर्म होती है वो डिनोमिनेटर में आ जाती है। तो ये टर्म हमारे पास क्या बन जाएगी, वन ओवर ए स्केयर माइनस एक्स ई स्केयर, दूसरा साइड पे हमारे पास लॉग नेचुरल ए स्क्वायर माइनस एक्स ई एक्स डिवाइडेड बाय एक्स ई माइनस एक्स आ गया, इज इक्वल टू के एफ ओवर एक्स ई मल्टीप्लाई बाय टी और सी प्लस सी। अब हमने सी की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, तो सी की वैल्यू निकालने के लिए हमें पता है जहाँ टाइम जीरो है तो हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ एक्स भी जो है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन भी जीरो है। हम यहाँ पे जहाँ पे x है वो जीरो पुट करेंगे और जहाँ पे t है वो जीरो पुट करेंगे वैल्यू, तो हमारे पास c की वैल्यू क्या आ गई, c इज इक्वल टू वन ओवर ए स्केयर माइनस एक्स सी स्केयर, यहाँ पे कोई x की वैल्यू नहीं थी इसलिए ये टर्म ऐसी आ गई। अब दूसरी साइड पे हमारे पास क्या, लॉग नेचुरल ए स्केयर माइनस एक्स सी मल्टीप्लाई बाई एक्स जीरो आएगा, तो ये ऊपर वाली टर्म ये जो एक्स सी मल्टीप्लाई बाई एक्स है ये टर्म जीरो हो जाएगी। इसी तरह डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है, एक्स की माइनस एक्स है तो एक्स जब जीरो है तो रिमेनिंग हमारे पास सिर्फ एक्स ही रह जाएगा, ठीक है। तो यह आंसर हमारे पास बन गया लॉग नेचुरल ए स्क्वायर माइनस डिवाइडेड बाय एक्स ई। अब हम यहाँ से सी की वैल्यू जो है इक्वेशन नंबर 5.79 के अंदर पुट कर रहे हैं, तो जब हम पुट कर रहे हैं तो ये इक्वेशन में प्लस के साथ आ रही है, लेकिन जब हम इसको रीअरेंज करेंगे तो ये माइनस में आ जाएगी, ठीक है। इक्वेशन के दूसरी साइड पे जाएगी तो ये माइनस में आ जाएगी, और इस साइड पे हमारे पास राइट हैंड साइड पे के एफ ओवर एक्स सी मल्टीप्लाई बाय टी रह जाएगा। अब यहाँ पे जो कॉमन टर्म है हमारे पास वन ओवर एक्स स्केयर माइनस एक्स सी स्केयर कॉमन आ गया, और लॉग नेचुरल में जो टर्म यहाँ पे न्यूमिनेटर में है वो माइनस साइन में क्या हो जाएगा, नीचे चली जाएगी, डिनोमिनेटर में आ जाएगी, और जो डिनोमिनेटर में माइनस साइन के साथ वो क्या हो जाएगा, ऊपर चली जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास 5.80 अगर आप इक्वेशन देखें तो यहाँ पे क्या बन गया, लॉग नेचुरल ये जो एक्स ई था ये ऊपर चला गया, ठीक है, एक्स ई इंटू ए माइनस एक्स ई एक्स डिवाइडेड बाई ए स्केयर, ये जो ए स्केयर था ये ऊपर था तो ये माइनस में था, ये नीचे आ गया डिनोमिनेटर में आ गया, ठीक है, ए स्केयर इंटू एक्स ई माइनस एक्स। और ये जो कॉमन टर्म थी, ये कॉमन टर्म जो है इक्वेशन में इस साइड पे डिवाइड हो रही है तो दूसरी साइड पे जाके क्या हो सकती है, मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये 5.80 जो है हमारे पास फाइनल इसकी इक्वेशन आ गई। दिस इज द इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर द अपोजिंग रिएक्शन
of the type second order reaction opposed by first order, in which the initial concentration of two reactant is same and that of product is zero. मीन आपने जो केस ले रहे हैं उसकी स्टेटमेंट आपको याद होनी चाहिए और आपने उसको लिखना भी है कि कौन सी वाली आपके पास है. अब अगर हम इस इक्वेशन को देखें तो ये हमारे पास क्या स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है. ये एक्स वाई एक्सिस हमारे पास ये सारी कंसंट्रेशन आ गई, एक्स एक्सिस हमारे पास टाइम है और इस टाइम के साथ या एक्स एक्सिस के साथ जितनी भी टर्म है वो हमारे पास क्या आ जाती है, स्लोप आ जाती है. अब स्लोप से आपको पता है के एफ की वैल्यू हम निकाल सकते हैं और ये ओरिजिन से पास आउट करेगा. फॉलोइंग रिजल्ट कैन बी डिड्यूस फ्रॉम दिस इक्वेशन. दिस इक्वेशन इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, ठीक है, और ये हमारे पास क्या है वाई एक्सिस आ गया और टाइम जो है वो एक्स एक्सिस पे आ गया. स्लोप हमारे पास क्या है, स्लोप की वैल्यू अगर आप देख लें के एफ इंटू ए स्क्वेयर माइनस एक्स ई स्क्वेयर डिवाइडेड बाई एक्स ई, तो यहाँ से आप के एफ की वैल्यू निकाल सकते हैं. और इसी तरह आप क्या कर सकते हैं के एफ के यूनिट भी निकाल सकते हैं. ये कंसंट्रेशन टर्म है हमारे पास और ये भी कंसंट्रेशन टर्म है, ऊपर वाली के साथ स्क्वेयर है, ठीक है. तो आप ये देख लीजिएगा कौन सी टर्म हमारे पास कैंसिल आउट हो रही है, या यहाँ से भी निकाल सकते हैं. कंसंट्रेशन है लेकिन नीचे हमारे पास कंसंट्रेशन का स्क्वेयर है तो एक कैंसिल आउट हो जाएगा और दूसरा इन्वर्स हो जाएगा, तो ये उसकी वैल्यू निकाल लेंगे. इसी तरह हमने के एफ की वैल्यू निकाली है तो अब हमने क्या करना है, के बी की वैल्यू भी निकालनी है. तो के बी की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे हम, प्रीवियस इक्वेशन में देखें हमारे पास क्या है, इक्विलिब्रियम स्टेट पे क्या होता है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इक्वल होते हैं और एक्स जो है वो एक्स ई के इक्वल आ जाता है, यानी कंसंट्रेशन जो है वो कांस्टेंट हो जाती है हमारे पास. तो हम यहाँ पे जस्ट आर एफ और आर बी की वैल्यू पुट करेंगे जो हमने पहले निकाली हुई है. तो और यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, के एफ क्या हो जाएगा, वो क्या है के बी ओवर एक्स ई डिवाइडेड बाई ए माइनस एक्स ई स्क्वायर. तो ये के एफ की वैल्यू निकाल ली, पहले हमने के बी की वैल्यू पुट की थी और के एफ निकाला था, अब हम के एफ की वैल्यू पुट करेंगे और के बी की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है. तो जो फर्स्ट इक्वेशन थी हमारे पास आप उस अब ये देखो कि यहाँ पे हमने क्या किया कि के एफ की वैल्यू निकाली. अब जो फाइनल इक्वेशन आ रही है हमारे पास वहाँ पे भी के एफ है 5.80. ये जो के एफ आ रहा है यहाँ पे हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे और जो टर्म अगर कोई कैंसिल आउट हो रही हुई तो हम वहाँ पे टर्म को कैंसिल आउट कर लेंगे, ठीक है. तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास क्या ये बन जाएगी, ये लॉग नेचुरल वाली टर्म जो है वो सारी एक साइड पे आ गई, वो तो वैसे ही आ जाएगी. अब इसकी वैल्यू क्या है के एफ की, के बी मल्टीप्लाई बाई एक्स ई डिवाइडेड बाई ए माइनस एक्स ई, और जो रिमेनिंग टर्म है वो पीछे से आ रही है इक्वेशन नंबर 5.80 से, ठीक है. तो अब हम ये देखते हैं कि कौन कौन सी टर्म जो है वो कैंसिल आउट हो जाती है, ठीक है. एक्स ई और एक्स ई कैंसिल आउट हो गया, ठीक, यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो रहा है. इसके अलावा हमारे पास क्या है, इस साइड पे अगर हम इस स्केयर को ओपन करें, इनके स्केयर को ओपन करें तो ये क्या बन जाता है, ए स्केयर ए माइनस एक्स ई, ए माइनस एक्स ई है और एक दफा प्लस के साथ और एक दफा माइनस के साथ आएगा, तो ठीक है, ए प्लस एक्स ई और ए माइनस एक्स ई. लेकिन अब यहाँ पे क्या, अब ये देखोगे कि आप ये माइनस वाली टर्म ऊपर और डिनोमिनेटर दोनों में कैंसिल आउट हो जाएगी, ठीक है. तो ये दोनों टर्म आपस में कैंसिल आउट हो रही है और रिमेनिंग टर्म हमारे पास क्या रह जाएगा, के बी इंटू ए प्लस एक्स ई डिवाइडेड बाई ए माइनस एक्स ई मल्टीप्लाई बाई टी, ठीक है. और यहाँ पे ये जो है लॉग नेचुरल है, जस्ट एन लिखा हुआ है वो यहाँ पे मिस प्रिंट है, तो आप लोग इसको भी देखिएगा, नीचे वाली इक्वेशन में लिखा हुआ है कि लॉग नेचुरल एक्स ई इंटू ए स्क्वेयर माइनस एक्स ई एक्स डिवाइडेड बाई ए स्क्वेयर इंटू एक्स ई माइनस एक्स, ठीक है. अब ये हमारे पास क्या है, फाइनली रेट इक्वेशन है. अब यहाँ से हम के बी की वैल्यू निकाल सकते हैं, जैसे हमने ऊपर वाली इक्वेशन में के एफ की वैल्यू निकाली, कि ये हमारे पास वाई एक्सिस है, टाइम हमारे पास क्या है एक्स एक्सिस है और टाइम के साथ साथ जितनी भी टर्म होती है वो हमारे पास स्लोप होती है. यहाँ से हम स्लोप की वैल्यू निकालेंगे और यहाँ पे अगर हम इस इक्वेशन को रीअरेंज कर लें तो के बी की वैल्यू निकाल सकते हैं. तो हमारे पास क्या हुआ, फिर हम के बी की वैल्यू से हम क्या कर सकते हैं कि इसके यूनिट निकालेंगे, तो आपको पता चलेगा कि ये हमारे पास यूनिट्स हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के हैं. और अगर हम क्या करना चाह रहे हैं कि अगर हम निकालना चाहें के सी की वैल्यू,
यहाँ हम के सी की वैल्यू भी निकाल सकते हैं और के इक्विलिब्रियम की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो के इक्विलिब्रियम के लिए आपको पता है के एफ डिवाइडेड बाय ये के बी, यानी कि के इक्विलिब्रियम जो होता है रेशियो होता है रेट ऑफ फॉरवर्ड एक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड एक्शन के। तो हमारे पास दो इक्वेशन है, रेट कॉन्स्टेंट फॉर फॉरवर्ड एक्शन, ठीक है, और रेट कॉन्स्टेंट फॉर बैकवर्ड एक्शन। आपके पास जो है इक्वेशन आ रही थी, हमने जस्ट वहां से क्या किया कि के एफ और के बी की वैल्यू निकाली, वही टर्म लॉग नेचुरल वाली टर्म को रीअरेंज किया, ठीक है, रीअरेंज करके हमने के एफ और के बी की वैल्यू निकाली, ठीक। तो हमारे पास क्या, जब हम इनको डिवाइड करेंगे तो जो सेम टर्म होगी तो वो तो हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएंगी, ठीक है, जो सेम टर्म है वो हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएंगी और रिमेनिंग टर्म जो है वो हमारे पास रह जाएंगी। तो जो रिमेनिंग टर्म है अगर आप इसको कैंसिल आउट करके देखें तो यहाँ पे इसको सॉल्व कीजिएगा, लॉग नेचुरल वाली टर्म तो हमारे पास स्ट्रेट फॉरवर्ड कैंसिल आउट हो रही है, इसी तरह हमारे पास जो टाइम है इक्वेशन नंबर ए और बी के अंदर टाइम, ठीक है, टी दोनों साइड पे कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे उन्होंने नहीं लिखा हुआ, ठीक है, इस साइड के ऊपर, लेकिन ये टाइम और ये टाइम जो है वो कैंसिल आउट हो गया। अब जब इस इक्वेशन को माइनस में जा रही थी ये इक्वेशन, ठीक है, तो ये आपको ये पता है कि जो डिनोमिनेटर में है वो ऊपर चले जाएगा न्यूमिनेटर में, और जो न्यूमिनेटर वाली टर्म है वो डिनोमिनेटर में चल जाएगी 5.81 वाली, ठीक है, जो बी है। तो ऊपर हमारे पास क्या आना चाहिए, ए प्लस एक्स सी। ये अगर आप नीचे इक्वेशन में देखें जो इसकी फाइनल इक्वेशन आ रही है, तो न्यूमिनेटर में हमारे पास ए प्लस एक्स ई आ रहा है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा मिस्टेक कर दी है, प्लस जो ऊपर टर्म आनी थी वो नीचे कर दी और नीचे वाली टर्म जो है वो ऊपर कर दी है, ठीक है। और रिमेनिंग टर्म हमारे पास क्या रह जाएगी, यहाँ पे रिमेनिंग टर्म हमारे पास ऊपर रह जाएगी एक्स ई इंटू ए प्लस एक्स ई, ठीक है, और जो नीचे टर्म हमारे पास रह जाएगी वो क्या रह गया, ए स्क्वायर माइनस एक्स ई रह गया। अब उस और दूसरी साइड पे यहाँ पे आएगा ए माइनस एक्स ई, प्लस नहीं आएगा माइनस आएगा। अब यहाँ पे जो स्क्वायर वाली टर्म है हमारे पास एक्स ई डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये इसका जब हम ओपन करेंगे तो ये स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाती है, ए माइनस एक्स ई मल्टीप्लाई बाई ए प्लस एक्स ई, और यहाँ पे दूसरी टर्म हमारे पास क्या रहेगी, ए माइनस एक्स ई। तो यहाँ जो प्लस वाली टर्म है डिनोमिनेटर में भी है न्यूमिनेटर में भी है, तो ये कैंसिल आउट होगी, रिमेनिंग हमारे पास क्या रह गया कि के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू एक्स ई डिवाइडेड बाई ए माइनस एक्स ई स्क्वायर, ठीक है। हम यहाँ से निकाल सकते हैं या हम क्या कर सकते हैं कि दूसरी तरह भी हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। सेम एक्सप्रेशन फॉर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैन बी ऑब्टेन्ड इजीली बाय यूजिंग द कंडीशन ऑफ द इक्विलिब्रियम के रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड बैकवर्ड रिएक्शन इक्वल होते हैं। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, वैल्यूज पुट कर सकते हैं रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन की और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन की, और जब इनकी रेशियो लेंगे हम तो हमारे पास ये बन जाएगा के एफ ओवर के बी इज इक्वल टू एक्स ई, और ये दूसरी साइड पे जो टर्म मल्टीप्लाई हो रही है डिवाइड हो जाएगी दूसरी साइड पे इक्वेशन के राइट हैंड साइड पे जाके। तो यहाँ पे हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल टू एक्स ई डिवाइडेड बाई ए माइनस एक्स ई स्क्वायर। तो ये सेम वैल्यू है जो हमने ऊपर यहाँ पे निकाली है, मीन दोनों वे में से किसी भी तरह हम क्या है यहाँ पे इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या थी, फाइनल इक्वेशन है। हेंस द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैन बी कैलकुलेटेड इफ द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एज वेल एज दैट ऑफ प्रोडक्ट इज नाउन, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन मालूम हो और हमें जो है जो इक्विलिब्रियम पे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन होती है वो हमें पता हो, तो हम क्या कर सकते हैं कि के इक्विलिब्रियम की वैल्यू निकाल सकते हैं। इट कैन आल्सो बी डिटरमिन फ्रॉम द वैल्यू ऑफ के एफ एंड के बी से भी निकाल सकते हैं। हियर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज अ नॉट अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी हैज अ यूनिट। फिर हमने इसके यूनिट्स निकालने हैं, ऊपर कंसंट्रेशन टर्म है लेकिन नीचे जो है कंसंट्रेशन टर्म का स्क्वायर है, जिसका मतलब है इसके यूनिट क्या बन जाएगा, डीएम क्यूब पर मोल, ठीक है। तो यहाँ पे इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के कोई ना कोई यूनिट भी होंगे हमारे पास। तो ये तो हमारे पास अपोजिंग रिएक्शन, जिसमें हमने देखा कि सेकंड ऑर्डर रिएक्शन जो है अपोज बाय फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो सेकंड ऑर्डर है, और जो है हमारे पास बैकवर्ड रिएक्शन जो है फर्स्ट ऑर्डर है, और साथ साथ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ
बोथ रिएक्टेंट जो है वो सेम है, हमने डिफरेंट कंसंट्रेशन नहीं ली, और इसी तरह प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है जो उसका स्टार्ट हम ले रहे हैं वो जीरो से ले रहे हैं।